15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष की भांति समाज सेवी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और धर्मेंद्र सिंह आर्टिकल जो हर समय समाज सेवा करने वाले आज तक बबुल्लापुर में वृक्षारोपण किया और जिसमें पत्रकार प्रेस परिषद के जिलाध्यक्ष संजय पटेल और उप संरक्षक अजय मौर्य ने भी पीपल के वृक्ष लगाकर शुद्ध ऑक्सीजन और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास किए। आप लोगों को बताते चले कि कोविड-19 में फतेहपुर जिले में लगातार गरीबों को पत्रकार प्रेस परिषद फतेहपुर जिलाध्यक्ष संजय पटेल अपनी टीम के सदस्यों के साथ लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर खगा बैरागी के पुड़वा में रहने वाले एक गरीब और वृद्ध को कपड़े और अनाज देकर गरीब परिवार के जीवन की मंगल कामना की। आप लोगों को बता दें कि इस गरीब के घर पर टीन शेड है, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया है। ये अनोखा खेल सबके समझ से परे है, लेकिन अब अगर अधिकारियों को यह गरीब का टीन शेड देख जाए तो एक बार जरूर इसके घर आकर इनकी दशा जरूर देखे और इस गरीब परिवार की मदद करें। वैसे समाज सेवी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और धर्मेंद्र सिंह आर्टिकल खूब गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस समाज सेवा को संस्था से जुड़ने की बात कहकर मनोबल बढ़ाने की जगह मनोबल गिराने का काम किया। खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को करने भी नहीं देते। आइए सुने क्या कहा समाज सेवी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने। MP यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य फतेहपुर से। नहीं, चेयरमैन से कहिए, सभासद हैं उनसे कहिए, कहिए हमारा घर देखिए पहले ना। सभासद से दी चाकर तीन कहा तो कहा अब बताइए बताइए बताओ बताओ तब जब नहीं सुनाई। अजय तुम बना लो, बाबा रोक दो बेटी। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है दादा, चलो आओ गया देख रहे हैं। अभी आप वृक्षारोपण कर रहे थे और आज 15 अगस्त का दिन है, तो ये स्वतंत्रता दिवस के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ढेर सारे हमारे साथी बॉर्डर पे अपनी परिवार की अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। और 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद हम लगातार ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और उसी कड़ी में हम लोग लगातार वृक्ष भी पेड़ लगा रहे हैं। वैसे तो हमारा ये मिशन काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त जी के दिन हम ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक स्थानों में वृक्षारोपण करते हैं। जैसा कि आज हम यहाँ आए चकबुल्लापुर में, यहाँ पर सड़क के किनारे हमने पीपल के वृक्षों को लगाया और इसके पहले हम चितौली गांव में भी वहां पे पेड़ लगाए। आज हमने कई जगहों पे जा कर के पेड़ लगाए और यहां तक बहुत सारे साथियों को भी हमने कहा कि आप लोग भी पेड़ लगाइए। क्या उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि दिन प्रतिदिन हम लोग छाँव के लिए परेशान हो रहे हैं, बरसात नहीं हो, बरसात के लिए हम लोग आस लागे बैठते हैं और इसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे तो हमारा जो जीवन है
वो सुखमय होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें अगर ऑक्सीजन मिलती है तो पेड़ों से मिलती है, और हमको उसको बना के रखना है।